हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाएंगे बरसाती टमाटर की उन्नत खेती। इस वीडियो के माध्यम से उन किसानों को काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है जो किसान भाई साधारण तरीके से टमाटर की खेती करते हैं, कोई मल्चिंग नहीं लगाते, कोई ड्रिप नहीं लगाते, एकदम परंपरागत तरीके की तरह खेती करते हैं। तो कैसे हमारे किसान भाई टमाटर की बंधाई करके साधारण तरीके से टमाटर की खेती कर सकते हैं, वो भी बरसात के दिनों पर, क्योंकि कुछ टाइम पहले हमने आधुनिक तरीके से बेड विधि से और जो आधुनिक तरीके से ड्रिप विधि से खेती जो की जाती है, वैज्ञानिक तरीके से जो टमाटर की फार्मिंग की जाती है, उसकी डिटेल तो संपूर्ण जानकारी शेयर की, क्योंकि उसमें जो फर्टिगेशन शेड्यूल था वो अलग था। आज की इस वीडियो के माध्यम से जो नॉर्मल किसान हैं, जो एकदम परंपरागत तरीके की तुलना पर थोड़ा सा एडवांस खेती करना चाहते हैं, अच्छा उत्पादन निकालना चाहते हैं, ज़्यादा लागत ना लगे, ज़्यादा स्प्रे ना करना पड़े, ज़्यादा खाद ना देना पड़े, तो इसके लिए जो साधारण तरीके से जो खेती की जाती है उसकी डिटेल में संपूर्ण जानकारी शेयर करने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी फायदा होने वाला है। देखिए, यदि आप टमाटर की प्रॉपर बंधाई करते हैं और साधारण तरीके से खेती करते हैं तो काफ़ी अच्छा आपको उत्पादन मिलने वाला है। मल्चिंग लगाने की आवश्यकता नहीं है, ड्रिप लगाने की आवश्यकता नहीं है और अधिक लागत, अधिक कॉस्ट लगाने की भी आवश्यकता नहीं है। साधारण तरीके से भी टमाटर की फसल से आप बेहतरीन उत्पादन निकाल सकते हैं। तो कैसे आप नॉर्मल तरीके से, साधारण तरीके से टमाटर की खेती कर सकते हैं, डिटेल में संपूर्ण जानकारी दोस्तों शेयर करने वाले हैं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं टाइमिंग। यदि आप बरसात के दिनों पर टमाटर की खेती कर रहे हैं तो इसकी रोपण की, प्लांटेशन की जो एग्जैक्ट टाइमिंग है, जुलाई, अगस्त और सितंबर, यह 3 महीने पर आप पौधरोपण करें, काफ़ी अच्छे बाजार भाव देखने के लिए मिलेंगे। नर्सरी तैयार, तो देखिए आपको प्लास्टिक प्रूफ ट्रे में या फिर अन्य विधि से नर्सरी तैयार नहीं करनी है, बल्कि मिट्टी पर बेड बनाकर आपको नर्सरी तैयार करनी चाहिए। तो मिट्टी से आधा से एक फीट ऊँचाई वाली कुछ इस प्रकार आपको बेड तैयार कराना है, और जो आप नर्सरी तैयार कर रहे हैं उसकी मिट्टी ठीक तरीके से भुरभुरी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नर्सरी में झोपड़े की भांति कुछ इस प्रकार आप शेड नेट खींच लीजिए, ताकि बरसात का जो पानी है गिरने पर डायरेक्ट नर्सरी पर ना पड़े। तो नर्सरी पर आपको मिट्टी को ठीक तरीके से भुरभुरी कराना है, उसके बाद गोबर की खाद, DAP, SSP, माइक्रो न्यूट्रियन, और आपको 50 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। यदि आप एक एकड़ में टमाटर की खेती कर रहे हैं तो 50 से अधिकतम 60 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। तो इस हिसाब से आपको सोइंग करनी चाहिए नर्सरी की। अब जब 10-12 दिन के आसपास की नर्सरी हो जाती है तो इस फॉर्मुलेशन को आप स्प्रे कर सकते हैं। इमीडा क्लोरप्रेड 17.8% 10 ml लेना है, और ह्यूमिक एसिड 50 ग्राम, UPL की साफ फंगिसाइड 50 ग्राम 15 लीटर की दर से घोल करके स्प्रे कर दीजिए नर्सरी पर। ज़्यादा आपको स्प्रे नहीं करने की आवश्यकता है, जड़ों का अच्छा विकास होगा और बेहतरीन तरीके से आप बिना प्रोट्रे के एकदम साधारण तरीके से झोपड़ी पर शेड नेट खींचकर कुछ इस प्रकार आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं, और बेहतरीन तरीके से नर्सरी तैयार हो जाएगी। मात्र 25 से 27 दिनों में नर्सरी दोस्तों तैयार हो जाएगी। अब नर्सरी लगभग 3 से 4 इंच की, अधिकतम 4.5 इंच की हो जाए तो आपको प्लांटेशन कर देना चाहिए। और यदि आप साधारण तरीके से भी टमाटर की खेती कर रहे हैं तो बेड जरूर बनाइए मीडियम ऊंचाई वाली। तो बेड से बेड की दूरी 3 फीट रखनी है, चौड़ाई जो बेड की वो आपको 2.5 फीट रखनी है, और जो ऊंचाई है वो तकरीबन 1 फीट रखनी चाहिए। अब जब भी आप बेड तैयार करा रहे हैं या फिर पौधरोपण आप जब कर रहे हैं तो उस समय जो वेसल डोज, जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट है, जो स्टार्टिंग पर जो खाद आपको देनी है, गोबर की खाद मात्र 1 ट्रॉली एकदम पकी हुई होनी चाहिए। SSP सिंगल सुपर फास्फेट उर्वरक खाद 50 किलोग्राम, MOP आपको दोस्तों इस्तेमाल करना है 15 किलोग्राम और DAP 25 किलोग्राम। इन सभी को ठीक तरीके से मिक्स कर लेना है। उसके बाद प्रति एकड़ जब आप पौधरोपण कर रहे हों उस समय आपको प्रति एकड़ इस खादों को मिक्स करके प्रति पौधा आपको 2-2 पौधे प्रति गड्ढे पर पौधरोपण करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, साधारण तरीके में प्रति गड्ढा 2-2 पौधे की ही पौधा आपको रोपण करना चाहिए।
इसके अलावा जब भी आप पौधरोपण कर रहे हैं पहले फील्ड पर पर्याप्त मात्रा पर नमी होना चाहिए, सिंचाई कर लीजिए, पौधरोपण कर दीजिए और इस प्रकार आपको पौधरोपण करना चाहिए। और पौधरोपण जब भी आप कर रहे हैं तो इसके लिए आप एक बेड पर डबल लाइन पर दोस्तों दो दो पौधे की पौधरोपण करना है और पौधे से पौधे की दूरी 2 फीट रखनी चाहिए, 2 से 2.25 फीट, और एक बेड पर डबल लाइन पर जिगजैग पौधरोपण करना चाहिए। पौधरोपण करने के बाद थोड़ा सा सिंचाई पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो फ्लैट एरीगेशन से यदि सिंचाई के ऊपर बात करें तो फ्लैट एरीगेशन से ही आपको सिंचाई करनी है, यानी स्प्रिंकलर एरीगेशन सिंचाई नहीं करनी चाहिए। फ्लैट एरीगेशन से यदि आप सिंचाई कर रहे हैं तो 8 से 10 दिनों की अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। वैसे भी आप खरीफ सीजन पर टमाटर की खेती कर रहे हैं तो ज़्यादा सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं रहती है, बरसात होती तो वैसे भी कम ही आवश्यकता पड़ती है। बाकी खेत की तैयारी आप नॉर्मल तरीके से 1 से 2 बार कल्टीवेटर दखफेट तोताल से पहली और दूसरी प्लोइंग कराना चाहिए। उसके बाद ठीक तरीके से मिट्टी को भुरभुरी करा लीजिए, हैरो डिस्क हैरो या फिर रोटावेटर की मदद से मिट्टी को भुरभुरी करा लीजिए। खेत के चारों साइड साफ सफाई रखिए, उत्तम जल निकास का प्रबंध दोस्तों होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे जैसे आपकी फसल ग्रोथ लेगी, बढ़वा लेगी, तो फिर खरपतवार को कंट्रोल करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी। वीट कंट्रोल करें तो वीट कंट्रोल के लिए निराई गुड़ाई सर्वश्रेष्ठ है। टॉप ड्रेसिंग करें, मिट्टी को चढ़ाइए और पूरे खेत में गेंदे की 2-4 लाइन भी लगा लीजिए। पीला और नीला स्टिक की ट्रैप लगाना है और आपको मध्यम ही सिंचाई करनी चाहिए। तो इन बातों को ध्यान आपको रखना चाहिए, इस प्रकार खेती करनी चाहिए। और जी हाँ दोस्तों, आप अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं साधारण तरीके से यदि आप खेती कर रहे हैं तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टमाटर की बंधाई। बंधाई के बारे में हम थोड़ा सा आगे आपको बतलाएंगे, उससे पहले दोस्तों बात करते हैं टमाटर की। यदि आप खेती कर रहे हैं तो कौन सी वैरायटी का चुनाव करें बरसाती दिनों पर, तो अच्छा उत्पादन देने वाली किस्में जो कि सर्वश्रेष्ठ उत्पादन देगी। इन वैरायटी की जो क्वालिटी है वो काफ़ी बढ़िया क्वालिटी, उच्च क्वालिटी है और साथ ही साथ इन वैरायटी पर रोग और बीमारी का प्रकोप बहुत ही कम देखने के लिए मिलता है। अच्छा उत्पादन आप खरीफ सीजन पर निकाल सकते हैं। तो जो किस्में हैं, सेमिनिस कंपनी की अभिलाष वैरायटी को आप लगा सकते हैं, सिंजेंटा कंपनी की साहो TO3251F1 को आप लगा सकते हैं, अर्का रक्षक F1 को लगा सकते हैं। इसके अलावा नामधारी सीड्स की NS962 के नाम से जो किस्म आती है इसका उत्पादन भी काफ़ी बढ़िया है, और हिमसोना सिजेंटा कंपनी की साथ ही ईस्ट वेस्ट की EW825 जैसी किस्मों को आप लगा सकते हैं। इन किस्मों का उत्पादन बेहतरीन देखने के लिए मिलता है यदि आप साधारण तरीके से भी खेती करते हैं तो इन किस्मों का काफ़ी बेहतरीन ढंग से आप उत्पादन और लंबे समय तक पौधा हरा भरा रहता है, ज़्यादा फुटाव देखने के लिए मिलते हैं, तो इन किस्मों पर आप जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं टमाटर की बंधाई, यानी टमाटर की बंधाई यदि आप करेंगे तो नॉर्मल तरीके की तुलना पर जो आप साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं मात्र बंधाई करने से 60% पैदावार बढ़ जाएगी, 40% से भी अधिक फंगस का प्रकोप कम देखने के लिए मिलेगा। तो स्प्रे करने में भी आसानी होगी, एकदम स्वस्थ फसल रहेगी, ज़्यादा फुटाव देखने के लिए मिलेंगे और सबसे बड़ी बात पैदावार अच्छी मिलेगी। तो टमाटर की बंधाई ज़रूर करें। पौधरोपण करने से पहले बांस का अरेंजमेंट करा लीजिए और 1 एकड़ में तकरीबन ये मान लीजिए दोस्तों आपको 1500 से 1800 बांस के टुकड़ों की आवश्यकता पड़ेगी जो कि मजबूत होने चाहिए और 9 से 10 फीट ऊंचाई वाले होने चाहिए। तो इसके साथ ही प्लास्टिक की रस्सी पैड वायर की आवश्यकता पड़ेगी और सुतली बंधाई के लिए सुतली की आवश्यकता पड़ने वाली है। जब हमारी जो फसल है मात्र पौधरोपण से ट्रांसप्लांट से 15 से 20 दिन के आसपास की हो जाए तो हमको बंधाई करनी चाहिए टमाटर की। तो आपको एक बेड पर जो भी आपने पौधरोपण किया है वहाँ पर आपको डबल लाइन पर बांसों को गड़ाना चाहिए। पहले बांस से दूसरे बांस की दोस्तों जो दूरी है वो तकरीबन 10 से 15 फीट के आसपास रखनी चाहिए और एक बांस से दूसरे बांस जो सेकंड वाला बांस है उसका डिस्टेंस तकरीबन आपको 2 फीट के आसपास रखना चाहिए, यानी एक बेड पर डबल लाइन पर आपको बांस गड़ाना चाहिए। इसके अलावा आपको बंधाई किस प्रकार करना है, जो आपका पौधा है वहाँ से 2.5 फीट ऊंचाई पर आपको पहला पैड वायर खींचना है, उसके बाद सुतले की मदद से आपको बंधाई करनी चाहिए कुछ इस प्रकार जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं, इस प्रकार बंधाई करनी चाहिए। और टमाटर की फसल पर कम से कम 5 से लेके
10 बंधाई की आवश्यकता पड़ती है। पौधा जैसे जैसे विकास करता जाता है, वृद्धि करता जाता है, उस प्रकार 3 लेयर पर आपको बंधाई करनी चाहिए। सुतली की मदद से पैड वायर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा मजबूती रखेंगे उतना ही आपको फायदा होने वाला है। स्ट्रक्चर एकदम मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आड़े तिरछे पर कुछ इस प्रकार आप बांस लगा सकते हैं या फिर स्ट्रे लगा सकते हैं जो कि वजन को कंट्रोल करता है। आड़े पर कुछ इस प्रकार रॉड भी आप गड़ा सकते हैं, फिर आड़े पर आप बांसों को भी लगा सकते हैं। तो जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं कुछ इस प्रकार दोस्तों आपको टमाटर की बंधाई करनी चाहिए, एकदम मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं खाद का शेड्यूल, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि आप साधारण तरीके से खेती करते हैं तो जो खाद का शेड्यूल है वो घुलनशील खाद नहीं बल्कि जो नॉर्मल खाद चलती है उन्हीं का कॉम्बिनेशन आपको प्रयोग करना पड़ेगा, वो भी प्रति एकड़ की दर से। तो जो भी आप खादों का प्रयोग कर रहे हैं कुछ पहले बेसिक हम समझ लेते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग पर आपको इन खादों को देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे उर्वरक खाद कम देनी पड़ेगी। गोबर की खाद खेत की तैयारी करते समय आपको प्रयोग करना है, और आपको प्रयोग करना है जिप्सम खेत की तैयारी करते समय 50 किलोग्राम। इसके अलावा वेस्ट डीकम्पोजर जो 20 रुपये वाली बॉटल आती है, उस एक डिब्बी को 3 किलोग्राम जो गन्ने का गुड़ पुराना गन्ने का गुड़ होता है 200 लीटर पानी में घोल करके 6 से 7 दिन तक आपको ठीक तरीके से बंद करके रखना है, और 6 से 7 दिन बाद आपको सोयल एप्लीकेशन से 1 एकड़ में सोयल एप्लीकेशन से चला दीजिए, स्प्रे नहीं बल्कि सोयल एप्लीकेशन से चला दीजिए। इसके अलावा ट्राइकोडर्मा 500 ग्राम, गन्ने का गुड़ 3 किलोग्राम, 200 लीटर पानी में घोल करके 6 से 7 दिन तक रखना, उसके बाद 1 एकड़ में आपको सोयल एप्लीकेशन से चला देना चाहिए। इसके अलावा अच्छा फ़ायदा हो तो इसके लिए ज़्यादा रासायनिक हमको इस्तेमाल ना करना पड़े और साधारण तरीके से खेती करें या फिर वैज्ञानिक तरीके से जीवामृत का प्रयोग जरूर करें। तो जीवामृत कैसे तैयार करना है, गोबर आपको लेना एकदम ताज़ा 10 किलोग्राम, देसी गौमूत्र आपको 15 लीटर लेना है देसी गाय का, और गुड़ आपको लेना पुराने से पुराना 3 किलोग्राम, और दलहन का आटा जैसे बेसन आपको 1 किलोग्राम, और पीपल या फिर नीम के पेड़ के नीचे की सोयल जहां पर कभी भी केमिकल का इस्तेमाल ना किया गया हो, खासकर पीपल पेड़ के नीचे की जो सोयल है वो 3 किलोग्राम ले लीजिए। तो इन सभी को ठीक तरीके से मिक्स करना है, और 5 से 10 दिनों के लिए प्लास्टिक ड्रम में या फिर मिट्टी के कोई भी बर्तन पर इसको ठीक तरीके से कपड़े से बांध करके रख दीजिए नमी वाले जगह पर। उसके बाद आपको 200 लीटर पानी में इनको घोल लेना है और ठीक तरीके से छान लेना है। अब इसको आप सोयल एप्लीकेशन से भी चला सकते हैं हर महीने, या फिर आप स्प्रे भी कर सकते हैं। 15 लीटर जो घोल है 200 लीटर, उसको 1 लीटर पानी में मिक्स करके ठीक तरीके से आपको 15 लीटर की दर से स्प्रे भी कर सकते हैं, या फिर जो 200 लीटर घोल तैयार किया है ज़्यादा अच्छे रिजल्ट के लिए दोस्तों आप सोयल एप्लीकेशन से भी चला सकते हैं। बाकी ज़्यादा अच्छा है कि जीवामृत हम हर महीने चलाएं तो ज़्यादा बेटर है। तो इसके लिए आप अलग अलग ड्रम में 2-3 कॉन्सेप्ट में 2-3 भागों में आप इस प्रकार जीवामृत भी तैयार कर सकते हैं। इससे ज़्यादा खाद देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बाकी यदि आप साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं तो जैसे हम बेसल डोज का इस्तेमाल करते हैं, जैसे DAP 20 किलो, यूरिया 20 किलो, SSP 40 किलो, MOP 20 किलो, इन सभी को मिक्स करना है और 2-2 महीने के अंतराल पर इन खादों का प्रयोग जरूर करना चाहिए। तो इससे भी हमको काफ़ी अच्छा फायदा होने वाला है और बेहतरीन रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। तो जो फर्स्ट खाद है 25 से 30 दिन के आसपास की फसल होती है, तो ह्यूमिक एसिड 1 किलोग्राम, यूरिया खाद 10 किलोग्राम और सूक्ष्म पोषक तत्व युक्त खाद 3 किलोग्राम लेना है। इन सभी को मिक्स करना है और जड़ों से 4 से 5 इंच दूर जड़ों के पास देकर सिंचाई करनी चाहिए। सेकंड खाद 50 से 55 दिन की फसल होती है, तो सागरिका दानेदार 6 किलोग्राम से लेकर 10 किलोग्राम और इसके साथ यूरिया खाद 20 किलोग्राम, बोरॉन वी 20% वाली 500 ग्राम, इन तीनों को ठीक तरीके से मिक्स करना है और प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर सिंचाई करनी चाहिए। ये थर्ड खाद जो तीसरी खाद है, 70 से 80 दिन के आसपास की फसल होती है पौध रोपाई से, तो मैग्नीशियम सल्फेट 10 किलो, ह्यूमिक एसिड ग्रेन्यूल्स फॉर्म वाला आता है 10 किलोग्राम, NPK 0050 आपको 10 किलोग्राम लेना है और यूरिया खाद 25 किलो, इन सभी को मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से जड़ों के पास देकर सिंचाई करनी चाहिए। फोर्थ खाद 100 से 120 दिन के आसपास की फसल होती है। पांचवी जो खाद है 140 से 150 दिन के आसपास की फसल होती है, तो कैल्शियम नाइट्रेट 15 किलो, बोरॉन भी 20% वाली 2 किलो प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर सिंचाई करनी चाहिए। तो दोस्तों ये था फर्टिगेशन शेड्यूल। दिनों के हिसाब से लगभग 4-5 महीने तक का हमने फर्टिगेशन शेड्यूल शेयर किया। बाकी आप आवश्यकता अनुसार फर्टिगेशन शेड्यूल आप चलाएं और ज़्यादा केमिकल इस्तेमाल ना करना पड़े, तो जीवामृत है, ट्राइकोडर्मा है, माइक्रो
न्यूट्रियन है, और सागरिका जो सीवीड एक्सट्रैक्ट आती है कंपनी की सागरिका सीवीड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस हिसाब से फर्टिगेशन शेड्यूल चलाना चाहिए। यदि हमारी फसल ज़्यादा बढ़वा ले रही है, नाइट्रोजन की क्वांटिटी बढ़ गई है, तो ऐसी कंडीशन पर मॉलिब्डेनम और फेरस सल्फेट जैसे पोषक तत्वों की आप पूर्ति कर सकते हैं, नाइट्रोजन को कम कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों स्प्रे शेड्यूल, क्योंकि टमाटर की फसल पर कई प्रकार की रोग बीमारी डिजीज़ का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। तो वे कौन कौन सी समस्याएं आ सकती हैं, कौन कौन से फंगस का प्रकोप हो सकता है, प्रमुख रूप अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, थ्रिप्स, माइट्स, वाइट फ्लाई, टूटा एब्सोल्यूटा का प्रकोप देखने के लिए मिलता है, लीफ माइनर है, विल्ट है, फलता फूलता पौधा सूख जाता है, फल छेदक है, पाउडरी मिल्ड्यूड, नेमेटोड्स, लीफ स्पॉट और बैक्टीरियल ब्लाइट का प्रकोप देखने के लिए मिलता है, विल्ट की समस्या देखने के लिए मिलती है। तो इसके लिए क्या करें, इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस वैरायटी लगाएं, नंबर एक। नंबर दो, फसल चक्र को अपनाएं, लगातार उसी खेत पर आप टमाटर की खेती ना करें बल्कि फसल चक्र को अपनाएं, अन्य फसलों को भी ग्रो करें, अन्य फसलों को भी उगाएं। एलेट रोकोफंगिसाइड और ट्राइकोडर्मा की आप ड्रेंचिंग कर सकते हैं, बेल्ट के लिए फलता फूलता पौधा काफ़ी हद तक कम होगा, सूखने की जो समस्या आती है। तो इस हिसाब से दोस्तों आपको कुछ ज़रूरी बातों को ध्यान रखना चाहिए। बीमारी कई हैं जो कि आप फोटो पर देख रहे हैं, कई प्रकार की बीमारी आती हैं, चाहे वो डाउनी मिल्ड्यूड हो, पाउडरी मिल्ड्यूड हो, लीफ स्पॉट हो, क्रैकिंग की समस्या, फल फूल ड्रॉपनेस की समस्या, तो कई प्रकार की समस्याएँ आती हैं, बीमारी बहुत सारी आती हैं। अब इनका जो आइडेंटिफाई है, पहचान है, कैसे पहचान करना है, तो इसकी हम डेडिकेटेड वीडियो पहले से बना रखी है, चैनल पर विजिट करेंगे या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। बीमारी कई हैं, स्प्रे शेड्यूल समझते हैं। जो फर्स्ट स्प्रे है, जब हमारी फसल ट्रांसप्लांट से पौध रोपाई से तकरीबन 15 से 20 दिन के आसपास की फसल होती है, तो मैंको जेब 75% WP फंगिसाइड 40 ग्राम लेना है, इमीडा क्लोरोप्रिट 17.8% SL 10 ml और सिलिकॉन बेस्ड चिप को मिलाकर स्प्रे करना 5 ml। इन तीनों को जो 15 लीटर का पंप आता है उसकी दर से घोल करके आपको स्प्रे करना चाहिए। सेकंड स्प्रे 30 से 35 दिन की फसल होती है, थर्ड स्प्रे 45 से 50 दिन, फोर्थ स्प्रे 60 से 70 दिन और वहीं फिफ्थ जो स्प्रे है 85 से 90 दिन, छठवां स्प्रे 105 से 110 दिन के आसपास की फसल होती है, तो प्रॉपर जाइट 57% EC 40 ml, धानुका की ओमाइट्स जो कि मकड़ी नाशक आती है, और इसके अलावा थायोफेनेट मिथाज 70% WP फंगिसाइड 40 ग्राम और सिलिकॉन पाउडर 50 ग्राम जो कि सिलिकॉन पाउडर माइक्रो न्यूट्रिएंट है 50 ग्राम 15 लीटर की दर से स्प्रे करना चाहिए। सेवेंथ जो स्प्रे 120 से 130 दिन के आसपास की फसल होती है, तो संयंत्र नीली प्रोल 10.26% OD 24 ml और डाइमेथोमॉर्फ और अमेटोट्राडेन जो कि 27% और डाइमेथोमॉर्फ 20.27% का जो कॉम्बिनेशन आता है, जो कि आपको अन्य फंगिसाइड जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं अलग अलग नामों से भी मिल जाएगा, 40 ml लेना, 15 लीटर की दर से घोल करके मिक्स करके आपको स्प्रे करना चाहिए। तो इस हिसाब से आपको स्प्रे शेड्यूल चलाना चाहिए बरसात के दिनों पर। सिस्टमिक प्लस कॉन्टैक्ट फंगिसाइड का यदि आप स्प्रे करेंगे तो बेहतरीन रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। यदि ज़्यादा बरसात पर पानी गिर रहा हो और फसल फ्लावरिंग स्टेज पर हो, तो आप एक काम कर सकते हैं कि पाउडर फॉर्म वाली जो फंगिसाइड आती हैं, जैसे कॉपर बेस्ड फंगिसाइड है, सल्फर बेस्ड फंगिसाइड या फिर कार्बेंडाजिम, इनकी भी आप डस्टिंग कर सकते हैं। 2 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से डस्टिंग कर सकते हैं, इससे काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलने वाला है। ज़्यादा बरसात हो रही हो तो फिर सिस्टमिक फंगिस
तरीके से कैसे टमाटर की खेती की जाती है इसकी जानकारी चाहते हैं तो हमने पहले ही वीडियो ए टू जेड बना रखी है। वीडियो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस वीडियो को वॉच कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार कृषि कार्य से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।